जातम् अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम् अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः शीतऋतुः माघमासस्य शुक्लपक्षनवमी तिथिः बृहस्पतिवासरश्च चुकाब्द त्रिविंशत्यधिक एकपञ्चाशत् शतम् विक्रम संवत् अष्टसप्तत्यधिक द्विसहस्रम् फेब्रुवरी मासस्य दशमी तारिका अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मंगलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्र प्रार्थना। राजा उत्तानपादंकर सुनीति एवं सुरुचि नामनी दुई जन राणी थिले। सुनीतिंक पुत्र थिले ध्रुव एवं सुरुचिंक पुत्र थिले उत्तम। सुनीति बड़ राणी थिले किंतु राजा उत्तानपाद सान राणी को बेसी भल पाउथिले। दिने राजा उत्तानपाद सुनीतिंक पुत्र ध्रुव को कोळरे बसाई थिबार देखिले सुरुचि। से ध्रुव को तळकु ओल्हाई देई कहिले, ध्रुव तुमे राजांक कोळरे बसी पारिबो नाही, केवल मोर पुत्र राजांक कोळरे बसी पारिब, भविष्यतरे से ही राजा हेबो। सावत मांकर एही कथा ध्रुवंकु बाधिला। से आसी मांकु सबु कथा कहिले। से मध्य स्नेह एवं सम्मानर अधिकारी हेबोकु चाहंती बोली ध्रुव कहिले। सुनीति निज पुत्रंकु बुझाइबाकु जाई कहिले, तुमे शांत हुओ, सम्मान ओ स्नेह पाइबाकु तुमे भगवान नारायणंकु स्मरण कर, तांकरि कृपारु तुमे सम्मान लाभ करिबो। मांक परामर्श क्रमे ध्रुव अलौकिक सुख प्राप्ति करिबा निमन्ते भगवान विष्णुंक तपस्या करिबा लागि जंगल अभिमुखे चालिले। बाटरे से देवर्षि नारदंकु भेटिले। देवर्षि नारद तांकु ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र दीक्षा देले। एहा परे नारद राजा उत्तानपादंक निकटकु जाई तांकु सबु कथा जणाइले। राजा दुख प्रकाश कले, तांक जगु तांक पुत्र एकाकी जंगल को चली जाइछि। राजा चिंतित होइ पड़िले। तेबे देवर्षि नारद तांकु बुझाई कहिले जे दिने आपणक पुत्र जगु आपणक नाम स्मरणीय होइ जिवो, भविष्यतरे से अनेक जस लाभ करिवो। राजा उत्तानपाद एहा सुनि सांत्वना लाभ कले। अन्य पक्षरे जंगल रे ध्रुव कठोर तपस्या आरंभ कले। वन्य जंतु को भय न करी से स्थिर चित्तरे भगवान श्री विष्णुंक स्मरण करि चालिले। ध्रुवंक कठोर तपस्या कारणरु स्वर्गरे देवराज इंद्रंक आसन टळमळ हेला। एते अवध बालक एपरि कठोर तपस्या करि पारे, आश्चर्य हेले देवराज। बालकटि भगवान विष्णुंकु डाकुथिला, तेणु देवगण जाई नारायणंक सम्मुखरे उभा हेले। ध्रुवंकु दर्शन देइ तार मनस्कामना पूरण करिबा लागि तांकु अनुरोध कले। नारायण पूर्वरु ध्रुवंक विषयरे जानिथिले, तथापि से तांको धैर्यर परीक्षा नेउथिले। शेषरे समस्त देवगण एवं माता लक्ष्मीको विनती क्रमे श्री विष्णु ध्रुवंकु दर्शन देले। ध्रुवंक इच्छा जानिबाकु चाहिले। आराध्य श्री विष्णुंकु देखि ध्रुवंक आश्चर्यर सीमा रहिला नाही। से निज इष्ट देवंकु कहिले जे से केवल स्नेह एवं सम्मान लाभ करिबाकु चाहन्ति। श्री विष्णु तांकु नै निज कोळरे बसाइले। ध्रुवंकु प्रभु वरदान देले जे उत्तर आकाशरे सप्तर्षि मंडळरे ध्रुव सबुदिन पाई शोभा पाइबे। आकाशरे भगवानंक कोळरे रही से जगतवासींक निकटरे सम्मानर अधिकारी होई पारिबे। एही प्रकारे राजकीय सुख परित्याग करी बालक ध्रुव विष्णु भक्ति बलरे अलौकिक सुख प्राप्ति करिथिले।